Assalamualaikum viewers, welcome to lectures by Waqas Aziz. आज English vocab का lecture 14 है, 10 words हैं. आ जाएं जी शुरू करते हैं. 131 पे लिखा है replenish, verb है. Replenish कहते हैं fill again, दोबारा भरना. Sentence usage इसका देखें. He replenished my glass with mineral water. ठीक. 132 पे आता है fray. इसको verb की सेंस में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, noun की सेंस में भी अंडरस्टैंड करेंगे. verb की सेंस में ये fabric या rope इसके लिए इस्तेमाल होता है. become worn at the edge, typically through constant rubbing, उधेड़ना. आपने देखा है cuffs के यहाँ पे जो रगड़ की वजह से क्या है, जो धागे निकल आते हैं, जो वहां से कफ उधड़ जाए. ठीक. फैब्रिक या रोप के लिए यूज करते हैं. सेंटेंस यूजेज वर्ब की सेंस में देखें. द कफ्स ऑफ हिज शर्ट वर फ्रेइंग. ठीक. अब फ्रे को नाउन की सेंस में अंडरस्टैंड करें. अ सिचुएशन ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, टिपिकली वन इनकॉर्पोरेटिंग एन एलिमेंट ऑफ एग्रेशन. उर्दू मीनिंग जब देखते हैं तो लड़ाई झगड़ा आता है या जहां पे सख्त वो हो, तल्ख कलामी हो. ठीक. एज द डिबेट वेंट ऑन, टेम्पर्स बिगेन टू फ्रे. ठीक. 133 पे आता है कॉग्निजेंट. एडजेक्टिव है हैविंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में वाकफियत या जानना. Always be cognizant of what people are doing around you. ठीक. ये 133 ये वर्ड्स हो गए तीन. मैं बाकी लिख देता हूं, इसको इरेज करके नोट कर लें जी. तो आ जाए 134 पे लिखा है turbulent, एडजेक्टिव है. मीनिंग देखें. इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ सडन चेंज, ट्रबल, कंफ्लिक्ट, डिसऑर्डर, हंगामा खेज. अब आपने समंदर की लहरें देखी हैं तो समंदर स्मूथ नहीं नजर आता, लहरों की वजह से हम कहते हैं कि क्या है, टर्ब्यूलेंट सी है, चेंज आ रहा है जल्दी जल्दी, डिसऑर्डर है. ठीक. आप समझ आई, जिसमें चेंज हो, सडन चेंज हो, ट्रबल हो, कंफ्लिक्ट हो, डिसऑर्डर हो. मीनिंग उर्दू में मैंने लिखा है हंगामा खेज. सेंटेंस यूजेज देखिए, दो सेंटेंसेस मैंने लिखे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. दिस हैज बीन अ टर्ब्यूलेंट वीक फॉर द गवर्नमेंट. ठीक. दूसरा सेंटेंस यूजेज देखें इसी टर्ब्यूलेंट का. दिस एयरक्राफ्ट इज डिजाइन टू विदस्टैंड टर्ब्यूलेंट कंडीशंस. ठीक हो गया. 135 पे आए मार्शल, वर्ब है. इसका मीनिंग देखें, टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द पीपल, थिंग्स, आइडियाज एटसेट्रा डेट यू नीड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, तरतीब देना. अब इतना खूबसूरत वर्ड है कि क्या है, आइडियाज को, लोगों को, थिंग्स को क्या है, तरतीब देना. अरेंज एंड ऑर्गेनाइज, मार्शल. अब इसका सेंटेंस यूजेज देखें. To write a good article, you need to marshal all the relevant information in chronological order. ठीक. Chronological order होता है तरतीब वाइज, जब कोई events happen हो उनका आप जिक्र करें. Chronological order. ठीक हो गया. Marshal. 136 पे आता है wayward. Adjective है. मीनिंग देखें, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, या इसे आप रिबेलियस भी कह सकते हैं. वे वर्ड के उर्दू मीनिंग्स है बेरारू, आवारा, जिद्दी. ठीक. जिसे आसानी से कंट्रोल ना किया जा सके. सेंटेंस यूजेज देखें. द बॉयज वे वर्ड बिहेवियर कॉस्ट हिज मदर मेनी अ स्लीपलेस नाइट. ठीक हो गया. अब 137 पे लिखा है लेड, नाउन है, अ बॉय और यंग मैन.
जवान लड़का, उसे लेड कहा जाता है, नाउन है। सेंटेंस यूजेज देखें, आई रेड दैट बुक व्हेन आई वाज अ लेड, ठीक हो गया। बाकी तीन वर्ड्स है वो मैं लिख देता हूं, इनको नोट कर लें जी। तो देखें 138 पे लिखा है विलेनस, एडजेक्टिव है, वेरी इवल, वेरी अनप्लेजेंट, बदमाश या सीधे रास्ते से हटा हुआ, उसके लिए विलेनस लिखते हैं। सेंटेंस यूजेज देखें, अराउंड एंड अमंग देम लॉन्च्ड विलेनस मैन विद पॉक्ड फेसेस एंड ब्रोकन टीथ, ठीक हो गया। 139 पे आए, टर्मिनेट, दो सेंसेस है इसके, इसके मीनिंग देखें। नंबर वन पे वर्ब है, वन पे मैंने लिखा है ब्रिंग टू एन एंड, खत्म करना। योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट्स इन दिसंबर, ठीक। अब इसी टर्मिनेट का सेकंड मीनिंग देखें, जब हम किसी ऑफ अ बस, किसी बस और ट्रेन के लिए जब हम इसे यूज करेंगे तो कैसे, टू एंड अ जर्नी, ठीक, बस या ट्रेन के लिए। सेंटेंस यूजेज देखें, दिस ट्रेन टर्मिनेट्स एट लंदन विक्टोरिया, समझ आई बात की, बस या ट्रेन की जर्नी खत्म होने के लिए भी हम टर्मिनेट का वर्ड यूज करते हैं। 140 पे आता है फोर्थ विद, एडवर्ब है, मीनिंग देखें इमीडिएटली, एट वंस, स्पेशली इन ऑफिशियल यूज, जब ऑफिशियल कोई यूजेज हो तो इस वर्ड को हम यूज करते हैं किसी ऑफिशियल यूज के लिए, जिसका मतलब है इमीडिएटली या एट वंस। सेंटेंस यूजेज देखें, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनीज इज टर्मिनेटेड फोर्थ विद, ठीक हो गया। 140 हो गए, इसके बाद लेक्चर 15 है, आज ही अपलोड होगा, लेक्चर 16 भी आज ही अपलोड होगा इंग्लिश वोकैब का, उनको भी जरूर देखिएगा। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।